हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चला ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट में। ये जो वीडियो है फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आपका लेसन 6 स्टार्ट किया था कल, उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल आप कहोगे सर कल तो आपने ये छठा सातवां चैप्टर बताया था, एक्चुअली में कल हम ध्यान नहीं रहा, ये वास्तव में ये छठा चैप्टर है। ठीक है, क्यों मुझे केमिस्ट्री का याद रहा, केमिस्ट्री का छठा सातवां चैप्टर चल रहा था ना, तो मैंने फिजिक्स पर भी साथ ही लिख दिया, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। ये फिजिक्स का आपका छठा चैप्टर है और उसकी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपको क्लियर कराएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे के प्रयोग, साथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जानने से पहले थोड़ा सा तुम्हें इससे पहले की कुछ कहानियां याद होनी चाहिए। वो क्या, देखो यानी कि एक वैज्ञानिक थे अरस्टेड। क्या थे? अरस्टेड। अरस्टेड ने क्या बताई थी? अरस्टेड ने बताया था 1820 में इन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि जब कोई आवेश, यानी कि ये कोई चार्ज है प्लस क्यू कूलम, और ये गति करने लगे, जब ये गति करता है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बातें अरस्टेड ने अपने 1820 में एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको सिद्ध कर दिया कि कोई आवेश नॉर्मली पहले ये ज्ञात हुआ कि आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद में ज्ञात हुआ, अरस्टेड ने ज्ञात किया 1820 में कि आवेश यदि गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। फिर बाद में और रिसर्च हुई तो बात पता चली कि यदि ये गति ये कर रहा है कांस्टेंट, यदि ये गति कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि ये अपने वेग को घटाता या बढ़ाता यानी कि परिवर्ती वेलोसिटी से गति करता है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ना रहे, कम हो जाए वेलोसिटी, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, तो उस समय पर ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही करता है, उसके साथ में अपनी ऊर्जा को भी बाहर निकालता है, इमिट करता है अपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ठीक है, फिर यहाँ के बाद में अब ये फैराडे वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस प्रयोग का बहुत अध्ययन किया, फिर बाद में इन्होंने अपने दिमाग में सोची कि भाई आवेश गति करता है तो आवेश की गति से आपका चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, बोले तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, आवेश की गति से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने उल्टा सोचा कि भैया जब आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से आवेश भी उत्पन्न होना चाहिए, आवेश का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। भाई आवेश का मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र, सिंपल है। तो इन्होंने बताया कि आवेश गति करे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो इन्होंने उल्टा सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, इन्होंने इस चीज पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सालों एक्सपेरिमेंट किया, ये 1820 की बात थी, ये समय बीतता गया 1831 आ गई, 1830 के लगभग लास्ट का समय चल रहा था, 31 स्टार्ट हो चुकी थी उस समय पर, 1831 लगाना जरा कितने समय हो गए, इतने समय तक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में इन्होंने हार के क्या किया, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करता है कोई इंसान, तो मान लीजिए ये अपने एक बहुत बड़ा मतलब रिसर्च का अपना एक अलग रूम था जहाँ पर बहुत सारे मतलब जैसे होते ना टेबल टाइप की थी, तो वहाँ पे इन्होंने एक तार की कुंडली थी इस तरीके से तार, उसमें इन्होंने क्या लगा रखा था, एक एमीटर लगा रखा था विद्युत धारा मापने के लिए। ठीक है, अब चुम्बक भी रख रखी थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, तो हाल में इन्होंने गुस्सा में आकर क्या करा, वो चुम्बक को फेंक के मारा। ठीक है, जब चुंबक को फेंक के मारा तो चुंबक ऐसे फेंक दिया कि इससे कुछ नहीं हो रहा यार, पूरा 10-20 साल का मतलब 10 साल का पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया, तो आज गुस्सा में कर देना, ये ना हो रहा मेरे से काम। तो ऐसी जब वो चुंबक यहाँ से गुजरी, कुंडली के पास से गुजरी, तो ये चुंबक, ये जो सुई थी आपकी एमीटर की जो सुई थी उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब वो हिलने लगी, इस पर भूत सा दौड़ गया एकदम, बोले ना ऐसे करके हिलने लगी। फिर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, फिर दोबारा उन्होंने क्या करा, फिर से फेंक के देखी,
फिर ये हिली, फिर अपने पास, फिर बहुत ध्यान से, फिर उनके दिमाग में चले गए, जो दसों साल तक नहीं हुआ वो केवल एक गलती से हो गया। और वैसे फिजिक्स में 95% में कहूँगा 99% तक जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो गलती से ही हुए, कर कुछ और रहे तो कुछ गया, मतलब ठीक है। तो खैर छोड़ो, हम अपने इस पर आते हैं क्या। तो जब वहाँ से चुम्बक गुजरी तो हिलने लगी, फिर इन्होंने वो बहुत तरीके से अध्ययन किया कि जब चुम्बक का एस ध्रुव लेकर आए तो धारा बहने लगी, फिर एस ध्रुव को दूर लेके गए तो वो विपरीत दिशा में बहने लगी, उसी तरीके से नॉर्थ पोल को उसके पास लेके गए तो फिर धारा इस तरीके से बह रही है, फिर नॉर्थ पोल को दूर ले जाने लगे तो फिर ये विपरीत हो जाती है धारा। तो मतलब क्या है कि जब चुम्बक, और ये क्या है कुंडली, ये है आपकी चुम्बक, ये है कुंडली, जब चुम्बक और कुंडली के बीच गति हो रही थी, होती है, तो उसमें क्या है कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन जैसे ये गति हम समाप्त कर देते हैं, दोनों को स्थिर कर देते हैं, तो ये यानी कि इसमें विद्युत धारा भी शून्य हो जाती है, वो खत्म हो जाता है विच्छेद। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने क्या ऐसे किया कि ये मान लीजिए कुंडली है, चुम्बक को पास लेके आए, दूर लेके गए तब भी इसमें धारा बह रही है, फिर ऐसे घुमाई चुम्बक घुमाई, फिर लेके आए दूर लेके गए फिर भी बह रही है, फिर इन्होंने क्या चुम्बक रखी, फिर कुंडली को इसके पास ले गए, फिर दूर लेकर आए तो भी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। मतलब यह है कि किसी भी एक चीज़ को स्थिर कर लो या दोनों में गति करा दो, कुल मिला के बात यह है कि कोई भी एक चीज़ गति करे एटलीस्ट तो उसमें धारा बहने लगती है। तो इन्होंने फिर नियम बनाया था, पहले तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसी घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते थे, क्या कि जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है या तीव्र सापेक्ष गति होती है, तेज गति करो ऐसे करके, तीव्र सापेक्ष मतलब एक दूसरे के, ठीक है, सापेक्ष, तीव्र सापेक्ष गति होती है तो एक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली किसी सर्किट से जुड़ी है, यानी इस तरीके से किसी एमीटर से जुड़ी है या किसी से, तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, एक ये घटना होती है जब चुंबक और कुंडली के बीच गति करते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उस विद्युत धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और इस घटना को, ये विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो ओवरऑल दो वर्डों में क्या बोलोगे आप कि जब कुंडली चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यदि कुंडली सर्किट से किसी बंद परिपथ से जुड़ी है तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा। तो ये सब कुछ समझ में आ गया, अब ये तुम्हें ये भी पता चलेगा कौन सी सन में आया था ये, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कौन सी सन में निकला, उसी सन में फिर ये नियम आए थे। अब नियमों के बारे में बात करेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना समझ में आ गई, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, देखिएगा। अभी मैं इसको मिटा दूं पहले, तो एक बार और समझ लीजिए कि चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और यदि यह कुंडली किसी बंद परपथ से जुड़ी है तो इसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को, इस प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। राइट, अब बात आती है, सबसे पहले इससे पहले लेंज का नियम पढ़ो, फैराडे के नियम पढ़ने से पहले लेंज का नियम पढ़ लो। लेंज का नियम, लेंज का नियम यह है जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है, चुंबक के बीच गति होती है तो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब क्या, देखो कभी देखा तुमने छोटा बालक हो, ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे तुम उसको, वो आपसे 20 रुपये मांग रहा हो और आप उसको 5 रुपये दे रहे हो, तो
कहेगा मेरे को ना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या रहा है, वो 5 के नोट को भी आप रख लोगे, चलो वो 20 मांग रहा आप 10 का दे रहे हो, वो नहीं ले रहा, मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, है तो वो कहेगा रख लो मुझे नहीं चाहिए। फिर तुम उसे रख लोगे तो फिर वो तुम्हारे पास फिर आ जाएगा कि मुझे दो, ठीक है। फिर वो तुम 10 दोगे तो फिर 10 नहीं उसे 20 चाहिए, फिर तो वो तुम लोग ना हमने दे रहे हो धर लो, फिर वो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब क्या है, अरे वो ना तो ले रहा ही और ना मान रहा ही। फिर वही चीज़ कंडीशन होती, देखो जब एस साउथ पोल को इसके पास लेकर आए तो धारा ऐसे बह रही है इस तरीके से, ठीक है, ए इस तरीके से आ रही है ऐसे करके, और जब साउथ पोल को दूर दूर लेकर जा रहे हैं तो धारा इस तरीके से बह रही है। मतलब जब पास आ रहा है तो ये दूर दूर जा रही है, और जब ये पीछे को आ रही है तो फिर इसके पीछे आ रहा है, होता है। तो ऐसा तुमने कहीं पर देखा ही होगा, किसी बालक के पीछे भाग रहे हो तो दौड़ दौड़ के जाएगा आगे, जब तुम अपने घर जाए तू जा भाग जा तो फिर पीछे पीछे आएगा। तो वही चीज़ जब नॉर्थ पोल को इधर लेके जा रहे हैं तो धारा ऐसे बह रही है, और जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो फिर धारा ऐसे बह रही है नीचे की ओर। तो मीन्स ये धारा उसी कारण का विरोध कर रही है जिससे ये उत्पन्न हो रही है, चुंबक से ये उत्पन्न हो रही है तो उसकी इधर को भाग रही है, तो इसको पीछे ले आ रहे हैं फिर पीछे को जाती है। तो मीन्स ये यही नियम है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच गति होती है या तीव्र सापेक्ष गति होती है तो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारक का विरोध करती है जिससे धारा स्वयं उत्पन्न होती है। धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, बस। तो यही है लेंज का नियम। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ध्यान समझ लेना, ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो क्लियर हो गया, लेंज का नियम भी समझ में आ गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम, ठीक है, उनको करते हैं। फैराडे के नियम पर वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे भाई, ध्यान समझ लेना। 90-90 यानी कि 90 से 95 और 99% इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम पर आधारित या तो आपका न्यूमेरिकल्स आएगा या खुद इसकी परिभाषा आएगी, ये समझ लीजिए। और जितने भी आने वाले इस चैप्टर में डेरिवेशन है वो इसी नियम पर आधारित हैं, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। प्रथम नियम, ये नियम की हम बात करी जाए तो इन्होंने 1831 में ये नियम दिए थे, और फिर बाद में उसी वर्ष हेनरी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस नियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और इस सिद्धांत की पुष्टि करके, अच्छे से बोलते ना, थोड़ा बहुत जो कमी है या जो कमावेशी होती है उसको मिलके इन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब इसका नियम देखिएगा, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या था, देखो जब ये कुंडली या कुंडली के पास चुंबक लेकर आ रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, इससे इसका फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। भैया दूर है चुंबक तो यहाँ पर बल रेखाएं कम हैं, जैसे जैसे पास जाती जाएगी तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा जाती जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अब यहाँ से लेके जाए यहाँ पर तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कम होंगी, तो मतलब चुंबकीय बल रेखाएं का मतलब क्या है, फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो जब किसी परिपथ से बद्ध या किसी परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में, उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बताई थी अभी भैया, जब या तो ऐसे बोल दो, जब कुंडली और चुंबक और कुंडली के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल का परिमाण इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स क्या होता है भाई, होता है इसकी परिवर्तन दर, ऋणात्मक परिवर्तन दर के बराबर होता है या इसके समानुपाती होता है, ऐसे बराबर लिख दीजिए, या इसके समानुपाती होता है, इस तरीके समानुपाती लिख दोगे बात वही है। अब इसको हम माइनस डी फाई अपॉन डी टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। यदि कुंडली एन फेरों से मिलकर बनी है तो ई बराबर एन माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। लो हो गया, यही नियम है। तो जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण
इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, E बराबर माइनस डी पाई अपॉन डी टी। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड परिभाषा से बोल दीजिए, जब किसी परिपथ से, ये परिपथ बन रहा है क्योंकि पूरा क्लोज है, जब किसी परिपथ से बद्ध या परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत वाहक बल का मान इस फ्लक्स परिवर्तन की, परिपथ के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। राइट? एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो हमने पहले ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा में बताई थी, उसी में थोड़ा सा और जोड़ना है कि यह विद्युत वाहक बल इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर जरूर लगा देनी है आप, ठीक है? तो बस ये हो गया, या मैंने जो परिभाषा बोली थी एक, वो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक, यानी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल का मान या इस विद्युत वाहक बल का परिमाण इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, या इस परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्लियर? अब ये चीज जब कुंडली में एन फेरों से मिलकर बनी है तो माइनस एन डी पाई अपॉन डी टी, ये है केवल सिंपली, ठीक है? और इसी फैराडे के प्रथम नियम को ही हम न्यूमैन के नियम से जानते हैं, ठीक है? या इसी को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये हमने फ्लक्स परिवर्तन का हमने जिक्र किया है, यदि आपसे कोई पूछने लगे कि भाई कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है, कैसे करोगे, तो आप कहोगे इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाने लगे तो इसका फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर दें तो इसका फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो? इस कुंडली का क्षेत्रफल चेंज कर दें तो इसका फ्लक्स परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे ये फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है आपका, ठीक है? अब बात आती है इसके सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम तो बहुत ही इजी है और वही है जो अब तक तुमने पढ़ा था, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है सेकंड नियम में, बस जो भी कुछ था इस पहले नियम में ही था। अब तो सेकंड नियम देखिएगा, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, जो अभी आपने लेंज का नियम पढ़ा था वही फैराडे का द्वितीय नियम है। लेंज का नियम क्या पढ़ाता, कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि जब किसी कुंडली और चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा, इसको हम, यानी कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस प्रेरित धारा की दिशा या इस प्रेरित धारा का स्वभाव या इस प्रेरित धारा की प्रकृति ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर हुई? बस इसी को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। एक बार और कह दो, जब चुंबक और कुंडली के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रेरित धारा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह स्वयं जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, ठीक है? क्लियर है? अभी तो तुमने हमें समझाया था लेंज के नियम में, ठीक है? वही लेंज का नियम लिख दोगे तो वही आपका ये द्वितीय नियम हो जाएगा। यहां से एक नोट पॉइंट बनता है, जब भी कभी भी हम कुंडली के फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं तो उससे डायरेक्टली आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। जब कभी भी, ध्यान समझ लेना, एक
वेरी मोर बहुत डीपली बात बता रहा हूँ, सभी लोग क्या कहते हैं कि पहले प्रेत धारा उत्पन्न हो जाती है कैसे वैसे, लेकिन एग्जैक्टली पता क्या होता है, सबसे पहले जब हम इसमें हम क्या करते हैं फिलस परिवर्तित करते हैं इस कुंडली का, तो इसमें पहले क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल। और इसी विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ओवरऑल बात यह, जब किसी कुंडली के फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके कारण इसमें धारा उत्पन्न होती है। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कि जब भी कभी भी आपसे कोई एग्जामिनर या प्रैक्टिकल या कोई इंटरव्यू में पूछे कि भाई कुंडली के जब हम फ्लक्स को परिवर्तित करेंगे तो उसमें विद्युत धारा और आपका विद्युत वाहक बल दोनों उत्पन्न होंगे, आप कहोगे सर उत्पन्न तो दोनों होंगे लेकिन सबसे पहले उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, उसके देन उसके बाद आपका विद्युत धारा प्रेरित हो गया उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये कि विद्युत वाहक बल पहले जनरेट होगा या विद्युत वाहक बल पहले प्रेरित होगा कुंडली में, इसके कारण आपका धारा उत्पन्न होगी। या फिर कोई कोई सीधे सीधे ये बोलता है भैया सबसे पहले जब कुंडली को फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो सीधे डायरेक्टली विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, धारा प्रेरित नहीं होती है, प्रेरित का मतलब धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका फैराडे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, लेंज का नियम, न्यूमैन का नियम, आई होप कि ये सारे नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रही बात नोट्सों की, नोट्सों में एकदम ऐसी बोल देना सॉलिड, अब तक के जितने भी नोट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्पेशल थ्योरी लिखी हुई है बेस्ट क्वालिटी की, तो वो जल्दी ही आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो बस तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, सभी में फैला दिया करो। और जल्दी से भाई आपसे बोला था कि आप यानी कि मई जून जून तक ही बोली थी कि जून के लास्ट तक 50,000 करा दो, अब तो भैया जून गई, जुलाई भी गई, अगस्त आ गया, क्या अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई अगस्त तक तो करवाई दो ख़त्म होने तक 50,000। जय हिंद।